नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड के एक ऐसे मंदिर की यात्रा पर जो अपनी अद्भुत मान्यताओं और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, हम बात करते हैं गोलू देवता के मंदिर की। तो चलिए बिना देरी किए इस पवित्र स्थल के बारे में जानते हैं। इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर गोलू देवता का है, जहाँ पे आप जो भी अपनी मन्नतें मांगेंगे वो पूरी हो जाती है। पूरी होने के बाद आपको आकर के वापस यहाँ पे घंटा बांधना पड़ता है। चलते हैं, देखते हैं, हम लोग भी मन्नत मांगते हैं। तो ये है मार्ग, इधर हम लोग की गाड़ी पार्क हुई है, पार्किंग है, और हम लोग चल रहे हैं मंदिर की तरफ। ये है मंदिर का नज़ारा, और यहाँ पर चिट्ठी बांध के अपनी टांगनी होती है, जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो यहाँ के घंटा बांधते। देखिए कितनी सारी लाखों करोड़ों की चिट्ठियाँ यहाँ पड़ी हुई है। अब अंदर देख सकते हैं, ये देखिए अंदर देखिए कितनी चिट्ठी है, पीछे तक है, बहुत पीछे तक है भाई साहब। देखिए आने के बाद जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है सब लोग अपने आकर के घंटा बांधते हैं यहाँ पर। देखिए ये मंदिर का परिसर है, देखिए चारों तरफ चिट्ठी बंधी हुई है। ये देखिए लोग कतार में लगे हुए हैं, लंबी लाइन लगी पड़ी है इस मंदिर का दर्शन करने के लिए। ये देखिए, तो ऐसा करते हैं हम लोग भी लाइन में लगते हैं और दर्शन करने का कोशिश करते हैं। गोलू देवता का मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। यह मंदिर यहाँ की लोक आस्था का प्रमुख केंद्र है। गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। गोलू देवता का मंदिर कब और कैसे स्थापित हुआ, आइए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। एक प्रमुख कहानी के अनुसार गोलू देवता राजा कल्याण चंद के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए कई न्यायपूर्ण फैसले लिए। एक अन्य कथा के अनुसार गोलू देवता का जन्म कल्लू नामक एक साधारण परिवार में हुआ था। उनकी न्यायप्रियता और सत्य के प्रति निष्ठा ने उन्हें देवता का दर्जा दिया। यह मंदिर पारंपरिक कुमाऊनी शैली में बनाया गया। मंदिर का मुख्य आकर्षण यहाँ लगे हजारों घंटियों का संगीत है, जो भक्तों की आस्था का प्रतीक है। यहाँ आने वाले भक्त अपनी प्रार्थनाओं को कागज पर लिखकर मंदिर में लगाते हैं, जिसे चिट्ठी कहा जाता है। गोलू देवता के मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। मान्यता यह है कि यहाँ सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं होती। लोग अपने परिवार की खुशहाली, नौकरी, विवाह और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर के आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण यहाँ आने वाले लोगों को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। यहाँ के स्थानीय मेले और त्यौहार भी दर्शकों के लिए एक विशेष आकर्षण होते हैं। अगर आप गोलू देवता के मंदिर जाना चाहते हैं, आप सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, यहाँ से टैक्सी या बस के माध्यम से आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग से भी ये एक अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, ये जानकारी गोलू देवता के मंदिर के बारे में है। अगर आपको हमारा पूरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो हम लोग दर्शन करके अंदर से निकले अभी और अंदर चूंकि फोटो खींचना मना है ना। देखिए कितने सारे घंटे बंधे हुए यहाँ पर, लाखों करोड़ों घंटे बंधे हुए, छोटे बड़े हर साइज के घंटे, जिस हिसाब से मन्नत मांगा अपने स्वेच्छा अनुसार बड़ा बड़ा घंटे बांधे हुए लोग। देखिए
चारों तरफ घंटे ही घंटे, ठीक है। इतने दूर इधर बाहर, इधर इधर आइए, इधर आइए, देखिए ये घंटे, देखिए बहुत पुराने पुराने, बहुत पुराने पुराने घंटे बंधे हुए हैं यहाँ पर, देखिए जबरदस्त।